बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी रिसेंटली इत्तेफाक हुआ मुझे जी किसी के साथ सफ़र करने पे, और सफ़र कर रहा था मैं किसी के साथ, एंड आई वाज ट्रेवलिंग आउट ऑफ सिटी, लेट मी पुट इट दिस वे। और मेरी साथ वाली सीट पे एक बहुत मोहतरम साहब बैठे हुए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, इंटेंशनली नहीं लेना चाहता, बिकॉज आई हैव माई रीजन फॉर दैट, क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ कन्फाइड की थी मेरे में, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। बस ये बता देता हूँ कि किसी ज़माने में कहा जाता था कि वो इमरान खान साहब ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। मैं इस ज़माने की बात नहीं कर रहा, इस टेन्योर की, इस वक्त जो लोग ऑफिस में मौजूद हैं उनकी बात नहीं कर रहा, इससे पिछले दौर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कहा जाता था और बड़ा आम थी ये बात कि जनाब उन साहब ने बहुत उनको सपोर्ट किया इमरान खान साहब को। सो आई जस्ट आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, आई सेड कि जी खान साहब ठीक चल रहे हैं, उनकी हुकूमत ठीक चल रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि खान साहब को सिर्फ अगर पहले 3 साल इस चीज़ पे कंसंट्रेट करते कि वो सिर्फ डिलीवर करते, और आखिरी 2 साल जो थे उसमें अकाउंटेबिलिटी करते, तो मेरे ख्याल में सिचुएशन डिफरेंट होती। बड़ा वज़न था इस बात में, और इससे आगे भी काफ़ी बातें हुई, लेकिन मैंने कहा जी क्यों पहले 3 साल क्यों डिलीवर करते। उन्होंने कहा जी पहले 3 साल डिलीवर करते, और उस पहले 3 सालों में अगर कोई चेंजेस लेके आनी थी लॉज में, क्योंकि लूप होल्स थे लॉ के अंदर, और लॉ जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके तहत अकाउंटेबिलिटी करना बहुत मुश्किल काम है। सो उसमें थोड़ी सी चेंजेस लेके आ जाते, उनको उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवा लेते, और उसके बाद आखिरी 2 साल जो है वो अकाउंटेबिलिटी करते, तो द सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन ऐसे नहीं हुआ, और उन्होंने कहा जी कि इट्स द अदर वे राउंड, उन्होंने पहले अकाउंटेबिलिटी शुरू की और फिर उन्होंने शुरू की, अब शायद आखिर में जाके डिलीवर करना शुरू करें, लेकिन पहले उन्होंने अकाउंटेबिलिटी शुरू की, जिसकी वजह ये है कि रिजल्ट्स जो है, नेट रिजल्ट्स जो है वो नहीं निकल रहे, क्योंकि पकड़े जाते हैं लोग, उन पर इल्ज़ामात भी लगते हैं, लेकिन जब प्रूफ होने का वक्त आता है तो वो दे वॉक आउट स्माइलिंग। और इसमें सिचुएशन जो है ना, ये सारी टर्न अराउंड हो सकती है। क्यों टर्न अराउंड हो सकती है? रीज़न बीइंग कि यही लोग जिन पे इल्ज़ामात लगे लेकिन उन पे प्रूफ नहीं हुए, मैं ओपोजिशन के लोगों की बात कर रहा हूँ, उन पे इल्ज़ामात प्रूफ नहीं हुए, तो वो बाद में किसी न किसी स्टेज पे वो हीरो बनते हुए नज़र आते हैं। सो ये इस चीज़ से कोई इत्तेफाक करे या ना करे, लेकिन फिर भी मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा कि अकाउंटेबिलिटी का अगर कोई नेट रिज़ल्ट नहीं निकलना था तो अकाउंटेबिलिटी को पहले क्यों रखा गया। मेरे साथ मौजूद है सेनेटर कामिल अली आगा साहब मुस्लिम लीग काफ से जी, मायजा हमीद साहिबा अभी हमें ज्वाइन करेंगी जी, और हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद रेहान हाशमी साहब MQM से, और खुर्रम शेर जमान साहब तहरीक इंसाफ से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। आगा साहब, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आप इत्तेहादी हैं, आपके ख्याल में अकाउंटेबिलिटी जो है, जैसे कि मैंने जिक्र किया अभी, अगर उसको रख दिया जाता आखिरी 2 सालों के लिए और पहले 3 साल डिलीवर किया जाता, जो भी प्रोमिस थे उनको अगर डिलीवर किया जाता तो बेहतर ना होता जी? जी राणा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि दो चीज़ें तो बड़ी मकूल हैं। एक ये है कि जो कवानीन है, नैप लॉज जिनको कहा जा सकता है, या अकाउंटेबिलिटी के जो भी कवानीन हैं, उनके अंदर जब तक इस्लाह नहीं होगी उस वक़्त तक यही रिजल्ट आएगा जो आज आपके सामने है। एक क्रेडिट इमरान खान साहब का है, वो ये है कि उन्होंने बड़ी मछलियों से ये एहतसाब का अमल शुरू किया, ये उनका दावा भी था, उनका वादा भी था, और उसी दावे पे, उसी वादे पे उनको मैंडेट मिला। अवाम के अंदर इस बात की तलब भी थी कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए, ये इब्तदा तो उन्होंने कर दी, लेकिन चूंकि कवानीन वो थे जिनके साथ चल के ये इतने बड़ी मछलियों का एहतसाब जो है उसका रिजल्ट यही आना था जो आया है, यानी रिकवरी कोई नहीं आज तक जी। अगर किसी को सजा भी हुई
तो उससे रिकवर कुछ नहीं हुआ आज तक। बिल्कुल ठीक। अगर किसी को 3 माह हिरासत में रखा और 4 माह हिरासत में रखा, 6 माह हिरासत में रखा, आप पंजाब में देख लें वो 56 कंपनियों वाला मामला जो है, कितनी बड़ी बड़ी चीजें सामने आई, एविडेंस भी आई, सारा कुछ आया, लेकिन चूंकि प्रोसिक्यूशन के अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं और उस डिपार्टमेंट में उसको भी इनहांस किया जाता, उसमें बेहतरी लाई जाती और वो लोग शामिल किए जाते जो मुकाबलतन एहतसाब के लिए जो वुकला मुल्जमान की तरफ से पेश होते हैं उनसे बेहतर ना होते तो कम अज कम उनके मुकाबले पे लोग सामने आते। तो मैं समझता हूं कि इस कानून के तहत भी बहुत सारी सारे नतायज लिए जा सकते थे, बेहतर नतायज लिए जा सकते थे, लेकिन ये 2 कमियां ऐसी हैं जिनकी बिना पे ये सारा अमल जो है वो खटारे में पड़ा हुआ है और नतायज जो हैं जो आने चाहिए थे वो नहीं है। ये क्रेडिट है इमरान खान साहब का, जैसे मैंने कहा कि बड़ी मछलियों को जिनको कभी किसी ने हाथ नहीं डाला था, इमरान खान ने उनको हाथ डाला। अवाम के अंदर इस मामले में एक तसल्ली है और ये क्रेडिट वो लोग देते हैं, आम आदमी देता है इमरान खान को, लेकिन चूंकि रिजल्ट कोई नहीं है तो लोग कहते हैं कि जी पैसे कितने लब्बे ने। आगा साहब बात वही है, इमरान खान साहब का दावा था कि पैसे आएंगे और हम अपना कर्ज उतारेंगे मुल्क का और आम आदमी की फलाह के लिए इस्तेमाल करेंगे। साहब लेकिन बात तो वही है जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि बजाय इसके कि बड़ी मछलियाँ हो या छोटी मछलियाँ हो, मतलब पकड़ने की अगर आप लॉज में चेंजेस लेके आते, अमेंडमेंट्स लेके आते और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है आखिरी 2 साल के लिए रखते थे तो बेहतर था, बजाय इसके कि आपने लोगों को पकड़ा लेकिन उनके खिलाफ प्रूफ कुछ भी नहीं हुआ, चाहे वो नून से हो, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, लेकिन उनको आपने पकड़ा ज़रूर लेकिन प्रूफ कुछ नहीं कर सके, तो नेट रिजल्ट अगर नहीं निकाल सके तो दैट मीन्स कि जिन भी लोगों को पकड़ा गया, चाहे वो बड़ी मछलियाँ हैं चाहे वो छोटी मछलियाँ हैं, आपने उनको हीरो बना दिया। ठीक है ना जी। माजा हमीद साहबा, आई वॉन्ट योर इनपुट ऑन दिस वन जी। हेलो माजा हमीद साहबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आई वुड लाइक टू हैव योर इनपुट ऑन दिस वन जी, कि जो लोग, जिन लोगों को पकड़ा गया चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, चाहे आपकी पार्टी से ताल्लुक हो या किसी और पार्टी से ताल्लुक हो, अगर उन पर इल्जाम साबित नहीं हुए या इल्ज़ाम पक्के पैरों पर अगर उनको नहीं पकड़ा जा सकता था, तो एट द वेरी फर्स्ट प्लेस उनको नहीं पकड़ा जाता तो बेहतर नहीं था जी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। राणा साहब, डे वन से इनका पीटीआई का इशू ये नहीं था कि पकड़ना, पैसे रिकवरी करना या करप्शन जो है वो, जो इन्होंने नारा लगाया था उसकी वजह से इन्होंने लोगों को पकड़ना था। इनकी इंटेंशन थी कि इन्होंने सियासी इंतकाम लेना है। जब आपकी नियत में फतूर हो और नियत में ये नियत सिर्फ ये हो कि आपने एक इदारे को इस्तेमाल करना है सियासी इंतकाम के लिए, तो ऑब्वियसली फिर आप पिक एंड चूज नहीं करते। आप उन लीडरों को, लीडरान को जो लोग इफेक्टिव हैं पार्लियामेंट में, जो बड़े लीडर हैं, जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में पार्लियामेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, पाकिस्तान की अफाम को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके ऊपर इन्होंने हाथ डाला। अब इनको ये नहीं पता था कि उनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं ही नहीं, और ये प्रूफ क्या करेंगे जब करप्शन चार्जेस हैं ही नहीं। अब नैब ने जो बड़के मारी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू, फिर इनकी वजीर इतलात ने, फिर इनके जो है जो पैनल बैठते हैं जिन्होंने कहा कि हम एसेट रिकवरी करेंगे, वो सारों ने इल्जामात की बुछार तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे की, लेकिन जब इनको और इन्होंने नैब के साथ जो एक गठजोड़ भी रखा और एक कनेक्शन भी रखा, ऊपर से हुक्म आता कोई बंदा हुकूमत के खिलाफ बात करता या हुकूमत के ऊपर तनकीद करता तो ये लोग उसको पकड़ के नैब की रेफरेंस दे देते, और ये एक थ्रेट ही समझे ना हम। तो बात ये है कि ये अब काम ये कर रहे थे, इनकी कंसंट्रेशन इस पे नहीं थी कि ये सबूत इकट्ठे करते या कोई चीज ढूंढते जो इनको मिलनी भी नहीं थी, इनकी कंसंट्रेशन थी सियासी इंतकाम पे। इन्होंने सियासी इंतकाम करते रहे। अब आपने शायद खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट सुनी होगी, क्या 8 महीने या 9 महीने उन्होंने उनको जब तक जेल में रखा है उस वक्त
तक इन्होंने नैब वालों ने उनसे एक सवाल नहीं पूछा। तो प्रोफेशनलिज्म का तो ये हाल है ना, तो सिर्फ टीवी पे मीडिया पे लोगों के सामने जो है एक अवामी नुमाइंदे की ट्रायल कर मीडिया ट्रायल करना जो है ये इनका काम था, वो कर रहे हैं और अपने वोटर और सपोर्टर को जो है एक तरफ से महंगाई का और बदनवानी का इंजेक्शन लगा रहे हैं, एक चीज जरा बताना पसंद करेंगी आप कि आपने कहा जी कि थ्रेट रखी जाए, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हुकूमत ये चाहती थी कि आप लोगों पे एक थ्रेट यानी कि तलवार लटकती रहे, सो डिड दैट वर्क? और कि वो थ्रेट जो थी जो हुकूमत चाहती थी कि आप लोगों के लिए एक हरबे के तौर पे इस्तेमाल की जाए और या तलवार आपके सर पे लटकती रहे आप लोगों के अपोजिशन वालों के, तो वो डिड इट वर्क? क्योंकि आप कोई एज सच अपोजिशन एक्टिव नजर नहीं आई, सो दैट मीन्स कि उनकी जो स्ट्रेटजी थी हुकूमत की इट डिड वर्क इन सम वेज, इज इट सो जी? राना बशीर साहब देखिए, माय पॉइंट इज कि आप अकाउंटेबिलिटी शुरू करें और वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी करें, उसके अंदर आप अगर पार्लियामेंट में नजर दौड़ाए तो वहां पे आपकी हमारी फ्रंट रो में रह कौन गया जिसको इन्होंने नैब ने नहीं पकड़ा? जब आप नैब ने हमारे सारे लीडरान को पकड़ लिया तो आप मुझे बताएं कि, और दूसरी तरफ जो है चीनी चोर बैठे हुए हैं, आटा चोर अभी तक बैठे हुए हैं, जहांगीर तरीन साहब का नाम भी आ गया रिपोर्ट में कि सबसे ज्यादा चीनी दरामद भी उन्होंने की, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। खुसरो बख्तियार साहब की इन्वेस्टिगेशन मुल्तान से लाहौर एकदम शिफ्ट हो गई, किसी ने सवाल नहीं किया। तो बात यह है कि आप हम इफेक्टिवनेस तो तब होती है ना जब आपकी पूरी लीडरशिप को आप जेल में डाल दें, तो अगर वो बाहर हम बाहर होते तो हम जरूर इससे ज्यादा इफेक्टिव होते। लेकिन मैं समझती हूँ कि कंसिडरिंग द फैक्ट के खाकान अब्बासी साहब हो गए, मिफ्ता इस्माइल साहब हो गए, दीगर हमारे हमजा शबाज साहब हो गए, राना सनाउल्ला साहब हो गए, इसमें इनको गवर्नमेंट को बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा है। इतनी एम्बेरसमेंट हुई है कि आज शायद खाकान अब्बासी साहब कराची एयरपोर्ट पर जब कल लैंड किए तो उनको एक अवाम ने हीरो बना दिया। तो बात यह है कि ये तो खुद PMLN के लीडरों को हीरो बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ निकल नहीं रहा इनसे। तो बात ये है कि इस तरह की पॉलिटिकल इमैच्योरिटी जो है यही मेरा पॉइंट है मायजा बीबी, कि आप ठीक है हुकूमत ने जो भी स्ट्रेटजी इवॉल्व की अगेंस्ट द ऑपोजिशन लीडरशिप अंदर कर दी ताकि वहाँ पे जनाब आप यानी कि हुकूमत को कोई प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, बट एट द वेरी सेम टाइम यही बात मैं शुरू में कह रहा था कि हुकूमत ने ही मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी के वो लोग हो जिन पे चीज़ें प्रूफ नहीं हुई उनको हीरो बना दिया। मैं अभी भी मैं एक मिनट एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक लेके वापस आता हूँ तो मैं गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखूँगा, लेकिन जाते जाते एक चीज़ ज़रूर मैं छोड़ना चाह रहा हूँ ताकि मेरा पैनल उस पर जो भी सोचना चाहे सोच ले, ताकि मैं आके उसका जवाब लेना चाहूँगा कि अगर ये इसी तरह ही चलता रहा तो दैट मीन्स के ऑपोजिशन वाले तो ठीक है बेशक कुछ भी ना करें, ऑपोजिशन ये बड़े बड़े लीडरान जो हैं उनको बेशक अंदर ही रहें, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम दे आर बिकमिंग हीरोज, इज इट सो? एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक में जाने से पहले जी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस आखिरी दो सालों में रख दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, पहले तीन साल जो है वो डिलीवर कर लेती हुकूमत तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। जी खुर्रम शेर जमान साहब, यहाँ पे ऑलमोस्ट जितना भी पैनल है उस ये इस चीज़ से इतफाक करता है कि आप अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को बाद में करते तो मेरे ख्याल में सिचुएशन आपके लिए आपकी गवर्नमेंट के लिए डिफरेंट होती। और साथ ही एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, कल जनाब शायद खाकान अब्बासी साहब मिलते हैं MQM वालों से और उसके बाद जनाब उनके साथ मतलब गुफ्तगू होती है, गपशप होती है, आज वजीर आजम साहब पहुँच जाते हैं कराची, खैर ते आवे? नहीं सर, सबसे पहले तो जो आपने एहतसाब के बारे में बात की मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ इस बात से। अच्छा। देखिए ना सर, मैं तो मुल्क को इससे गद्दारी के बराबर समझता हूँ कि अगर कोई शख्स चोरी कर रहा है, किसी ने लूटमार की है और हमारे पास अगर उसके शवाहिद मौजूद हैं, या चले शवाहिद नहीं है तो कम से कम इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसको रोका तो नहीं जा सकता, मुल्क तो चल रहा है, मुल्क बेहतर चल रहा है, लेकिन प्रूफ कितनी चीजें हुई जी? शुरुआत में मुश्किल थी, वो तो केसेस प्रूफ हो गए। सॉरी मैंने कहा जी कितने केसेस प्रूफ हो गए अभी तक?
तकरीबन दो साल वो जिम्मेदारी अदालतों की जिम्मेदारी है, अदालतें हमने रोल प्ले करेंगी। हमें सबसे पहले अपनी अदालतों पर भरोसा करना चाहिए, हमारे जजेज है उन पर भरोसा करना चाहिए, जिन्होंने बेल लिए तो जाहिर है उन्होंने अपनी बेल्स ली है। आई एम श्योर की ये बेल्स कितनी लेंगे, एक ना दिन तो इनकी बेलों को भी खत्म होना ही है ना, इन्होंने बिल के अंदर अपने अंदर आना, यहाँ पर आना ही है। दूसरी बात आपने फरमाई कि शायद खाकान साहब यहाँ पर आए थे और कल वजीर आजम साहब आ रहे हैं। वजीर आजम साहब का पहले से प्लान था और मैं आपको बता दूं कि ये वजीर आजम साहब जो कल कराची आ रहे हैं, कराची के कोई बहुत बड़े कोई तीन प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अनाउंसमेंट हो रही है, इनफैक्ट तीन ही छह हैं, जिसमें दो ब्रिज आपके केडीए पे इनॉग्रेट होने जा रहे हैं, दो सखी हसन पे हैं और दो जो हैं फाइव स्टार पे। ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, छोटे नहीं है, और ये जाहिर है कि पिछले साल डेढ़ साल से बन रहे थे, इसके इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं। उसके साथ साथ कोई 100 आरओ प्लांट्स हैं वो लगने हैं, उसके बारे में बात होगी। और उसके अलावा कराची के लिए एक बहुत बड़ा जो एक डेवलपमेंट अनाउंसमेंट है वो भी कल होने जा रही है। तो कराची शहर जैसे कि है, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर का शहर है, पीटीआई का शहर है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक यहाँ से हमें मिला है और बहुत बड़ा एक चेंज है इनफेक्ट पूरे कराची। आपको 8.5 लाख वोट मिला था पिछली दफा शोरम साहब, और 8.5 लाख वोट जो है उनकी उन लोगों को एक्सपेक्टेशन पे आप पूरा उतरे जनाब? बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उतरे हैं, जो काम आज से पहले कर देखे ना। आज भी एमकेएम जो है, जो कि पिछले 4 साल से बल्दियाती यहाँ पे उनके उम्मीदवार हैं, वो ये कहते हैं कि उनको यहाँ पे इख्तियारात नहीं दिए गए और यहाँ पे उनको पैसे नहीं दिए गए, तो ये तो बात उनकी तरफ से भी साबित करती है कि उनको काम करने नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने तो ये चीज जो है ये एहसास करते हुए कि सिंध हुकूमत जो है पैसा खर्च नहीं कर रही है, शहर को बना नहीं रही है, तो उन्होंने एक अपना पैकेज दिया, 162 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस हुआ। लेकिन ये जो 6 ब्रिज की अनाउंसमेंट हुई है, इनफैक्ट जो 6 ब्रिज की इनॉग्रेशन है, इसका तो उस पैसे से ताल्लुक भी नहीं है, ये तो एक एडिशनल काम है। तो कराची शहर को बेहतर करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। एक और बहुत बड़ा बजट है जो केएमसी को, मेयर कराची को जो है कल वो अनाउंस होने जा रहा है, बल्कि वो तो अभी समझेंगे फाइनलाइज हो गया। 7 से 8 अरब रुपए हैं वो दिए जा रहे हैं। कराची की जितने एमएलएज हैं, चाहे वो एमकेएम के हों चाहे वो पीटीआई के हों, हर एमएलए को 15 करोड़ रुपए मिले ताकि इंटरनल सर्विस के निजाम को बेहतर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है खुरम साहब कि आप डेवलपमेंट करा रहे हैं कराची के। कराची के लोगों को भी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, उनको भी जरा थोड़ा सा उनका भी एहसास होना चाहिए था। बहुत अच्छा किया फेडरल गवर्नमेंट ने ये काम किया। बट कमिंग बैक टू द सेम थिंग अगेन, उस पर मैं कॉमेंट चाहूंगा मायजा हमीद साहबा के। मायजा बीबी, खुरम साहब कहते हैं जिन्हें अकाउंटेबिलिटी के जो भी हुआ, जिन लोगों को रिलीफ मिल रहा है या बेल आउट हो रहे हैं, जो लोग अदालतों का काम है, हमने तो उनको अंदर करना था, कर लिया। अदालतों जो ये बात कर रहे हैं, अदालतों का काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है, मेरे भाई को समझाएं। अदालतों का काम फैसला करना है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी सबूतों शवायद नैब देगी। तो सबूतों शवायद तो नैब ने नहीं दिए, और कहां से हुक्म आता है कि किसको पकड़ना है, ये आपके सामने ही है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर ये अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होती तो अभी केपीके में जो करप्शन के इतने बड़े बड़े स्कैंडल हैं, जिसमें आपकी बिलियन ट्रीज है, उसके बाद मालम जब्बा का केस है, बीआरटी है, उसमें जो मुलव्वस लोग हैं, फ्रंट रो में आपके मिनिस्टर बैठे हुए हैं, अभी चीनी का इतना बड़ा जो स्कैंडल आया, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो छुपाई जा रही है। क्यों छुपाई जा रही है? ऐसे लोगों को भी पकड़ा जाता तो मैं मानती कि नायब इंडिपेंडेंट इदारा है और वो प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे जो है वो काम नहीं कर रहा। ओके खुरम साहब, एक मायजा बीबी का एक पॉइंट तो ठीक है कि जो चीजें अदालत के सामने रखी जाएंगी, प्रूफ रखे जाएंगे, शवाहिद रखे जाएंगे, तो उन्हीं की बुनियाद पे अदालतें फैसला करेंगी। अगर उनके सामने चीज़ें पूरी मुकम्मल नहीं रखी जाएंगी तो अदालतें खुद जाके तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी तो वो नहीं है। नहीं देखिए, ठीक फरमा रही है, लेकिन इस बात को याद रखा जाए कि जो बाहर भी है उनको बेल पे बाहर आया गया ना। ऐसा तो नहीं कि किसी केसेस खत्म हो गए, नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं वापस आ जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब क्यों? नवाज शरीफ साहब को तो आपने खुद भेजा ना, जरदारी साहब है, उनको भी बेल मिली हुई है। तो देखें, हमारा जो नवाज शरीफ साहब को तो आपने खुद भेजा है सर, हमने अपना रोल प्ले करना है और उसके बाद ये बॉल तो हमने जाके अदालतों की कोर्ट में भेजनी है। अब ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि एक शख्स है वो अरबोंपति बनता जा रहा है, उसकी मिलें भरती जा रही हैं, फैक्ट्रियां बनाते जा रहा है, यहाँ पे गरीब गरीब होता जा रहा है और यहाँ पे हुक्मरान जो है वो अमीर सर होते जा रहे हैं, बाहर जो है फॉरेन रेमिटेंस। People want to know the net result. People want to know, जैसे कामिल अली आगा साहब ने भी कहा, मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो लोग हैं वो कहते हैं जनाब के हासिल वसूल की होया,
कितनी सबसे बड़ा हासिल वसूल तो ये हुआ है कि आपके मुल्क के अंदर करप्शन जो है वो कम हुई है। एक खौफ जो है वो पैदा हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है, लोग डरते हैं इस तरह के काम करने में, हो रही होगी जरूर, अभी भी हो रही होगी, लेकिन कम से कम एक मैसेज तो क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर करप्शन को खत्म हुई है। गरीब आवाम का आपने पैसा लूटा है, आपके टॉप मिनिस्टर जो है, ये जो आपकी एटीएम्स हैं जो डिसक्वालिफाइड है, उनको आपने मिनिस्ट्रीज के अंदर अपने फ्रंट पे बैठे हुए हैं, वो पॉलिसीज बना रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब को आप कैबिनेट मीटिंग्स में रखते हैं, खुसरो बख्तियार साहब आपकी शुगर मिल्स में फायदे उठा रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं ये अमीर नहीं है, ये गरीब लोग हैं जिनको आप फायदा दे रहे हैं। गरीब लोग तो वो लोग हैं जिनको आप महंगाई का टीका लगा रहे हैं, 14% आपने महंगाई कर दी है, 5% थी PMLN की हुकूमत में, आम अशिया पे, खाने की अशिया पे महसूस नहीं हो रहा है, टमाटर का आपने बहुत कम बचाया, टमाटर सस्ता हो गया, नौकरियां मिल रही है जी खुरम साहब जनाबे आला, टमाटर के ऊपर टमाटर उसको छोड़ दे, एक मिनट लेके टमाटर को छोड़ दे, आपने अभी कहा कि नौकरियां मिल रही है, कहां पे नौकरियां मिल रही है, गंदम की बात हुई वो आपके सामने, खुरम साहब कहां पे नौकरियां मिल रही है, अभी आपने बोला, सॉरी आपने अभी बोला नौकरियां मिल रही है, कहां नौकरियां मिल रही है सर? देखिए एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रही है ना, अगर सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो कम से कम मुल्क के अंदर एक एक जाल तो फैलता जा रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनको वो फैसिलिटीज तो मिल रही है, कारोबार बेहतर हो रहा है, बिजली के बिल, गैस के बिल आप रहे हैं तो आप ये मेरे पीछे मुबशर साहब आप जरा इनसे पूछे, मेरे कैमरामैन मेरे पीछे मेरे कैमरामैन बैठे हुए हैं, वो बैठ के रो रहे हैं, उनको नौकरियों से हाथ धोने पड़ रहे हैं, उनकी तनख्वाहें कम हो गई हैं, आप कह रहे हैं नौकरियां बढ़ रही हैं, अभी भी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है शोर मचाने का, आप मेरी बात सुन लें तो मैं आपकी सुन लूंगा, बट देयर इज कंप्लीटली रिडिक्युलस कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान की आवाम तो वजीर आजम साहब से खुश है, आपके लीडर क्यों भागे हुए जा रहे हैं, बताएं पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे, नहीं नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे, वहाँ पे कैफेज पे बैठ के जो है ना कॉफी पी रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, आपके नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे, मुझे नवाज शरीफ साहब के आपने भेजे भाई, आप क्यों नहीं आ रहे, लोग जो है अकाउंटेबिलिटी का फेस भी कर रहे हैं, जेलें भी काट रहे हैं और कोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। Anyways, I'll have to take a break on here कि मैं हाशमी साहब माजरत चाहता हूँ आपसे, मैं अभी आपकी छोड़ दे, आप अपना जो असल सौदा है ना आलू टमाटर चीनी उसको सस्ता करें ताकि आप आलू टमाटर का सस्ता है। अच्छा जी वो कह रहे हैं जी आपके हमें भिजवा देते हैं, खुरम साहब कह रहे हैं आपके हम भिजवा देते हैं, मैंने तो आपको बताया, मैंने आपको फिगर्स बताए, 17% आपने महंगाई कर दी है, 5% आप कह रही है ना, आपके कहने से क्या होता है, आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गैस का बिल खुश है, उनकी पॉलिसी से खुश है, बिजनेस कम्युनिटी खुश है, आपको तो हाशमी साहब आपको तो रिलीफ मिलने जा रहा है, ऐसे ही है तमाशबीन वो मैं उसमें माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपको तो रिलीफ मिलने जा रहा है ना, आपका तो पैकेज आ रहा है, लेकिन मैं खुरम साहब की बातों से कोई भी इत्तेफाक नहीं कर रहा है, यहाँ पे रियलिटी चेक इज डिफरेंट, क्या आपको तो रिलीफ मिलने जा रहा है, आपके मेयर साहब जो है उनको तो पैसे मिलने जा रहे हैं, तो फिर तरक्की का काम शुरू हो जाएगा कराची में? देखिए राणा साहब ये जो आपने टॉपिक पहले मरहले में लिया है इंतहा इंपॉर्टेंट है, मेरी अपनी राय भी है और अभी पार्टी भी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कल्चर हमारी जो दो बड़ी पार्टीज थी, लेट्स रियलाइज द फैक्ट, इन्होंने शुरू किया है अपने हरीफ को के खिलाफ FIR कटवाने के हवाले से, जो मरहला था, क्या मियां साहब के ऊपर पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने FIR नहीं कटवाई, क्या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर, बीबी के ऊपर, जरदारी साहब के ऊपर, क्या मियां साहब के जब इख्तदार में थे तब FIR नहीं कटवाई? तो क्या आप बज़ाहिर ऐसा लगता है क्योंकि हाथ धोकर जिस तरह पड़े रहे और जिस तरह मुख्तलिफ इदारे कोई रिजल्ट नहीं आया, एहतसाब तो होना चाहिए था सबका, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने का जो एक फिनोमेना सामने आता है जिसका शिकार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बदतरीन शिकार रही है, तो ये तो हकीकत है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कल्चर खत्म होना चाहिए। अब जहां तक बात बची तरक्की के हवाले, क्या समझते हैं कि अभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है हाशमी साहब? देखिए मुल्क में तो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, और इकोनॉमिक क्राइसिस की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ कि अभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही, इकोनॉमिक क्राइसिस में बाद में चलते हैं।
देखिए, मैं समझता हूं कि अगर जिस इदारे ने क्लेम किया कि एक कल्प्रिट है और इन्वॉल्व है, तो उसको डिफेम करके उसको क्लीन चिट देके जाने क्यों दिया गया? क्यों इतनी लंबी एक्सरसाइजेस की गई? पूरी कौम को क्यों लगाया गया एक जाने, चाहे वो किसी भी, चाहे मियां साहब को हो, चाहे कोई और एक्स वाई जेड हो? या तो कंक्लूजन होना चाहिए था, निशाने इबरत बना देते आप। आपने ना तो निशाने इबरत बनाया बल्कि जग हसाई का मौजिब बना। फिर मेरी दरखास्त है मौजूदा हुकूमत से कि ऐसे इदारों को कठेरे में लाया जाए और उनसे पूछा जाए कि कौम का पैसा, कौम की एक्सरसाइज। सो इन सो मेनी वर्ड्स यू आर सेइंग हाशमी साहब के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई और मियां नवाज शरीफ साहब को अगर प्रूफ नहीं हुआ तो फिर उन्हें बाहर क्यों जाने दिया, उनको निशाने इबरत बना देते, यही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल दुरुस्त कह। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ जी, उसके बाद वापस आता हूँ और आगा साहब की तरफ भी चलेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से फिर दोबारा शुरू करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब, मोहम्मद रेहान हाशमी साहब जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, कह रहे थे जनाब कि जिन लोगों की अकाउंटेबिलिटी शुरू की थी हुकूमत वक्त ने, उनको निशाने इबरत बनाया जाता तो बेहतर था, लेकिन उनको बाहर जाने की इजाज़तें दे दी गई। वो रेफ़र कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के केस को। मायदा हमीद साहिबा, आपकी इनपुट चाहिए इस पर। हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि जनाब नेट रिज़ल्ट कुछ नहीं निकल रहा, क्विक रिस्पॉन्स ऑन दिस वन जी, फिर मैं आगा साहब की तरफ जाऊँगा। निकलना भी कुछ नहीं है। अच्छा, नेट रिजल्ट निकलना भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें दस है कि इंटेंशन जो होती है ना, जो इंटेंशन होती है, जो नियत होती है, नियत खराब हो तो फिर ऑब्वियसली रिजल्ट भी खराब निकलते हैं एट द एंड ऑफ द डे। उस वक्त तो ये उछल कूद रहे थे, नारे मार रहे थे, हमने करप्शन पकड़ ली, करप्शन पकड़ ली, कहाँ गई करप्शन? अब आवाम को करप्शन खिला दें, आज आवाम को आटा ना दे, सीधी ना ही समझिए है ना ही, जो मर्जी समझ लो तुम्हारे सामने है, पर बात ये है कि मैं ये कहना रिगार्डिंग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आप सुन रहे, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। रिगार्डिंग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये बात जो कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पंजाब हुकूमत के पूरे इख्तियार में थे और जो हालात उनके पंजाब हुकूमत ने किए, पीटीआई हुकूमत ने किए, उसमें उनको वो जिंदगी एक ऐसी डेंजरस हालत में लेके चले गए जिसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कहूंगी मैं, पॉलिटिकल मर्डर से कम भी नहीं कहना चाहती, अल्लाह माफी दे, अल्लाह मियां उनको सेहत दे, लेकिन इन्होंने ये हालात कर दिए थे कि वो क्रिटिकल कंडीशन में थे और अगर वो गए हैं, उनको भेजा गया है, तो इन्होंने जो है इनकी मजबूरी थी भेजना, क्योंकि इन्होंने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए थे। तो ये बात करना कि जी इनको वो भाग गए हैं या वो चले गए हैं, वो चले भाग ना, वो भागे ना वो चले गए, वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के एयरपोर्ट से उतरे थे और नैब ने उनको हथकड़ियां लगाई थी और वो सीधा जेल में गए थे। बिल्कुल ठीक जी। और उनकी बेटी जो है उनको अस्पताल में भी मिलने नहीं दिया जा रहा था जब उनके उनकी प्लेटलेट काउंट 16,000 पे थी। बिल्कुल ठीक जी। काबिल अली आगा साहब, क्विक रिस्पांस जी, इसके नेट रिजल्ट नहीं निकल रहा, अकाउंटेबिलिटी जनाब लोगों के डाउट्स क्रिएट कर रही है जो, तो फिर ये वाकई आखिरी दो साल में होते अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस तो बेहतर नहीं था। क्विक जी, क्विकली आपके रिस्पांस चाहूंगा आगा साहब। देखें राणा साहब, मैंने जो निशानदेही की है मैं उसके ऊपर ही जोर दूंगा। जो करप्शन का लूटा हुआ पैसा है वो तो नजर आ रहा है, जहां जहां डंप किया गया, जहां जहां वो मोहल्ला तमीर किए, जहां जहां पे उन्होंने बड़े बड़े कारोबार सेटल डाउन किए, वो सारे की सारा रकम, सारा लूटा हुआ माल नजर आ रहा है। अगर वो लंदन में है, वो दुबई में है, वो स्विट्जरलैंड में है, वो जहां भी है वो तो नजर आ रहा है। अब अगर कोई नहली है तो जिसकी वजह से ये कमजोरी है, लेकिन एक बात है, जमानत हो जाना कोई फाइनल फैसला नहीं होता। बिल्कुल ठीक। कानून के मुताबिक जब जब एविडेंस सामने कोर्ट के अंदर आएगी और उसके बाद अदालत फैसला देगी, उस वक्त पता चलेगा कि ये क्या चीज है। एट द कॉस्ट ऑफ इंटरप्टिंग कभी किसी को, एक बात और, एक बात अभी सुने
सर सर अच्छा, आप सुन लेना आराम से सुन ले, मैं आपको सिर्फ दरमियान में इंटरप्ट कर रही हूँ, तो एक बार मुझे बता दें कि किसी बंदे को जिससे नहीं इंटरप्ट नहीं करते ना, इखलास की भी कोई इखलास की भी कोई हदूद और क्यूद होती है, आप इंटरप्ट ना करें, अपनी बारी पर बात करें। आप बात कर रही थी तो मैं बोला हूँ, आप ना बात करें इस तरह। देखे आप, आपको मैं बात नहीं करने दूंगा, मैं आपको बात नहीं करने दूंगा। जल्दी से अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं आपको बात नहीं करने दूंगा, ये कोई तरीका नहीं। अच्छा आगा साहब जल्दी आप बात करें, मुझे अपनी बारी पे बात करें जी। देखे अगली बात क्या है राणा साहब, बात यह है कि जवाब तो देना पड़ेगा। अब शाहद खान बासी साहब जितने मर्जी हीरो बने, ये मैंने इनिशिएट किया था, उन लोगों में मैं शामिल था जिसने इस इशू को इनिशिएट किया था सेनेट के अंदर। अच्छा वो ये है कि इन्होंने आज तक उस मुआदे को कौम के सामने और पार्लियामेंट के तो सामने नहीं रखा, लेके आ जाऊंगा डाल दी के मुआदारी लेके आएंगे। सुने राणा साहब सुने, दूसरा जवाब इनको देना पड़ेगा कि 15 साल का इतना महंगा मुआदा क्यों किया, जबकि भारत ने $2.5 के ऊपर 2 साल का मुआदा किया। $8 पे 15 साल का मुआदा किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए। मैं जाते जाते एक चीज यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, एक हुकूमत वक्त से अपील है, और अपील है सूफिया मिर्जा साहिबा की, सिर्फ और सिर्फ कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे, कोई बड़ी चीज मांग नहीं रही वो, कोई बड़ा कोई ऐसी कोई ये नहीं कह रही कि मुझे आसमान से तारे तोड़ के ला दे, लेकिन उनके अपने तारे जो कि दुबई में हैं, और दुबई में उनकी बच्चियां जो वहां पे हैं, और उनको यहां से ले के चले गए उनके उनके अपने ही चाहने वाले किसी दौर के, वो ले के चले गए, ज़ोर ज़बरदस्ती ले के चले गए। अदालतों ने फैसले दे दिए कि उनकी बच्चियां रिकवर की जाएं, लेकिन उनकी बच्चियां आज तक रिकवर नहीं की गईं। जो अदालतों के फैसले थे वो इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। सूफिया मिर्जा साहिबा आज फिर इसी हुकूमत में कॉरिडोर ऑफ पावर में जो लोग बैठे हुए हैं उनको सिर्फ एक इल्तिजा कर रही है। ज़रा सुनिए जी। थैंक यू सो मच राना मुबशर साहब फॉर कंसिडरिंग माई इशू। मेरी बेटियों को मेरे एक्स हस्बैंड उमर फारूक सहूर जो हैं, उन्होंने ड्यूरिंग विजिटेशन मेरी बेटियों को अगवा किया मुझ पर एक झूठे केस करा के अपने दोस्त के थ्रू, और उसके बाद मेरी बच्चियों को कोर्ट के न्यूमरस ऑर्डर के होते हुए वो रिकवर नहीं कर सके, जस्ट बिकॉज के मेरी बच्चियां जो हैं पाकिस्तान से मुख्तलिफ नामों से दुबई स्मगल कर दी गई थी, और कोर्ट में चूँकि मैं कस्टडी जीत चुकी थी, मेरे हक में कस्टडी हो गई थी, और मेरी बेटियां जो हैं वो विजिट फादर को मिल गया था, तो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन मेरे पे जो झूठा केस किया गया और उसके बाद मेरी बच्चियां अगवा करके ले गए, बहुत अरसे तक तो ढूंढते रहे कोर्ट में भी, और अथॉरिटीज़ के बच्चे जो हैं उनके नाम चूँकि ECL पे थे, और ECL पे होने की वजह से वो पाकिस्तान से जा नहीं सकती थी, तो आज तक FIA ने रिपोर्ट दी है हाई कोर्ट में कि बच्चियां जो हैं वो ECL पे हैं, और वो किस तरह पाकिस्तान से दुबई गईं। वो ज़ुबैर अहमद सदफ नास जो मियाँ बीवी हैं या कोई गिरोह के सरगना है, अल्लाह बेहतर जानता है, उमर फारूक जहूर ने उनके साथ मिलकर मेरी बच्चियों को स्मगल किया पाकिस्तान से दुबई। इस आदमी ने मुझे मारा पीटा, इवन दुबई में मुझ पर छुरी से हमला किया, कत्ल करने की कोशिश की, जो दुबई में पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, और उसके बाद मेरी बच्चियां जो हैं पैदा होने वाली थी और मैं पाकिस्तान आई और मेरी बच्चियां यहां पाकिस्तान में पैदा हुई। उमर फारूक जहूर खुद वांटेड है नॉर्वे में मुख्तलिफ केसेस में, टर्की के बिजनेसमैन से इन्होंने फ्रॉड किया, टर्की में वांटेड हैं, पाकिस्तान में मेरे बच्चियों के अगवा और स्मगलिंग केस में, और बहुत से केसेस हैं जिसमें ये वांटेड हैं, FIA में भी वांटेड है। लेकिन उमर जहूर को आना जाना है उसका, कोई उसको नहीं पकड़ रहा, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि इस आदमी का बिजनेस तो कोई नहीं है, ये एक फ्रॉडिया इंसान है जो लोगों के साथ जुल्म करता है, जो लोगों को फ्रॉड करके उनसे पैसा छीन के भाग जाता है, गायब हो जाता है। और मुझे ये तब पता लगा क्योंकि ये पूरी फैमिली स्मगलिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है, इनका अपना बहनोई नॉर्वे में मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वेस्टिगेट हो रहा है। तो मैं ये आपके तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, इमरान खान साहब से, कि खुदा के लिए आपकी रियासत मदीना है और इस रियासत में एक माँ को इंसाफ चाहिए। मेरी बेटियाँ जो हैं वो दुबई में उमर फारूक जहूर सगा बाप बच्चों को मारता पीटता है, उन पर टॉर्चर करता है, उन्हें तकलीफें देता है, वो लेके पता नहीं क्यों गया अल्लाह जानता है, लेकिन मुझे मेरी बेटियाँ चाहिए।
और मेरी रिक्वेस्ट है इंटीरियर मिनिस्टर से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि सर ये कोई आम बात नहीं है कि बच्चों को ट्रैफिकिंग होगी, स्मगलिंग होगी इंसानी, और आज तक 10 सालों से पकड़े।